एक गांव में हरि नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, मगर हरि का परिवार बहुत गरीब था। हरि का सपना था कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपने परिवार को गरीबी से बचा सके। जैसे तैसे हरि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में शहर चला गया। एक दिन हरि ने अखबार में नौकरी का विज्ञापन देखा और सोचा कि चलो यहाँ अपनी किस्मत आजमाते हैं। नौकरी तो अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं यहाँ कोशिश करूँ। हरि ने अपना हुलिया ठीक किया और इंटरव्यू के लिए चल दिया। हरि, तो कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? जी मैट्रिक। और आगे क्या करना चाहते हो? जी मैं मेहनत करके कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इंटरव्यूअर ने हरि से ढेर सारे सवाल पूछे और हरि ने अपनी सूझबूझ से सभी सवालों का जवाब दे दिया। पर फिर, अरे तुमसे बात करके अच्छा लगा। तुम एक काम करो, अपना ईमेल आईडी यहाँ लिख दो, हम तुम्हें ईमेल पर तुम्हारा ऑफर लेटर भेज देंगे। शुक्रिया साहब, पर मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। क्या आज के डिजिटल दौर में ईमेल नहीं? नहीं साहब, मैंने कभी ईमेल आईडी नहीं बनाया। हरि की बात सुनकर इंटरव्यूअर्स चौंक गए और आपस में बात करने लगे। प्रोफाइल तो अच्छी है पर ईमेल आईडी नहीं। जिसके पास ईमेल आईडी नहीं वो कैंडिडेट आउटडेटेड ही होगा। ये हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। आपस में बात करने के बाद उन्होंने हरि को रिजेक्ट कर दिया। पर सर, सिर्फ ईमेल ना होने के कारण आप मुझे नौकरी देने से इनकार कर रहे हैं। भला ईमेल से मेरे हुनर का क्या संबंध है? सॉरी हरि, तुम कहीं और ट्राई करो, हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हरि काफी निराश हुआ और वहाँ से बाहर निकला। बाहर आकर वो यहाँ वहाँ भटक रहा था, तब उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। उस आदमी के हाथ में एक फूलों की टोकरी थी। उसने हरि को देखा और कहा, ये फूल मुझसे ले लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। बेचारा बुजुर्ग फूल लेकर न जाने कब से खड़ा होगा। मैं काम करता हूँ, इसकी मदद करता हूँ। भैया ये फूल कैसे दिए? भाई आप जितना चाहे दे दो, मुझे बस घर जाकर अपने बीमार बेटे को कुछ खाना खिलाना है। ठीक है, मेरे पास ये 200 रुपए हैं, तुम ये टोकरी मुझे दे दो और अपने घर चले जाओ। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हें तरक्की दे, तुम मेरे फूलों का सही दाम दे रहे हो। भैया तरक्की क्या मिलेगी मुझे, एक तो पहले ही नौकरी नहीं मिली, ऊपर से जेब भी खाली हो गई। पर मुझे भगवान पर भरोसा है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हरि इन फूलों की टोकरी को उठाकर सड़क पर चल रहा था कि अचानक सामने एक आदमी आया। भैया क्या तुम अपनी टोकरी के फूलों का गुलदस्ता बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना दूंगा साहब। बच गए, आज मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है और ऑफिस की भागदौड़ में मैं उसके लिए कोई तोहफा ना ले सका। डर रहा था कि अब उससे क्या कहूंगा, पर तुम तो भगवान के रूप में सामने आ गए। चलो अब एक बढ़िया सा गुलदस्ता बनाकर दे दो। हरि ने उन फूलों का बढ़िया सा गुलदस्ता बनाया और उस आदमी को दे दिया। वाह, ऐसा अनोखा गुलदस्ता तो मैंने कभी नहीं देखा, ये देखकर तो मेरी स्वीटी काफी खुश होगी। ये लो 300 रुपए। शुक्रिया साहब। 300 रुपए पाकर हरि को हिम्मत मिली और उसने बचे हुए फूलों के छोटे छोटे गुलदस्ते बनाए और इन गुलदस्तों को वो बेचने निकला। दिन खत्म होते ही हरि के सारे गुलदस्ते बिक गए थे और उसने करीब 1000 रुपए कमा लिए। दूसरे दिन हरि वहीं जाकर खड़ा हो गया जहां उसे वो बुजुर्ग मिले थे। बुजुर्ग फिर से फूलों की टोकरी लेकर खड़ा था। बाबा आप आज भी मुझे अपने फूलों की टोकरी दे दीजिए। शुक्रिया भाई, तुम्हारे कारण मैं धूप में दिन भर नहीं भटकता, मैं अपने घर जाकर अपने बेटे का ख्याल रख सकता हूँ। बाबा आप चिंता मत करिए, ये 400 रुपए लीजिए और घर जाकर अपने बेटे का ख्याल रखिए। 400 रुपए? पर बेटा तुम मेरे फूलों का दुगना दाम क्यों दे रहे हो, और इतने सारे फूलों का तुम करते क्या हो?
बाबा आपके फूलों के कारण मुझे जिंदगी में एक नई राह मिल गई, हिम्मत मिली। अब मैं हर रोज आपसे फूल लिया करूंगा, और अगर ऊपर वाले ने मुझे बरकत दी तो मैं आपको भी और पैसे दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। हरी अपनी कलाकारी से खूबसूरत गुलदस्ते बनाता और बेचता। हरी की मेहनत की कद्र होने लगी और उसे हर रोज और ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे। हरी अपनी मेहनत से ज्यादा मुनाफा बनाता और हमेशा उस बुजुर्ग को भी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा दे देता। बाबा कल से एक नहीं दो टोकरियां लेकर आना। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए मैं जरूर लाऊंगा, पर दो टोकरियां मैं उठाऊंगा कैसे? आप चिंता ना करें, मैं गांव से अपने दोस्त को यहाँ बुला लूंगा। हरी ने अपने गांव से अपने जैसे गरीब मेहनती दोस्तों को भी शहर बुला लिया और उनकी मदद से उसने अपने फूलों का बिजनेस बढ़ा दिया। देखते ही देखते एक बड़े मॉल में हरी की खुद की दुकान खुल गई और उसका नाम सुर्खियों में छा गया। एक दिन एक बड़ी फिल्म के लिए फिल्म मेकर्स ने हरी के गुलदस्तों का इस्तेमाल किया और वो सेट सभी को पसंद आया। फिल्म के क्रेडिट्स में हरी की कंपनी का नाम भी आया और एक बड़े मीडिया हाउस ने हरी का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू खत्म होते ही जर्नलिस्ट ने हरी से कहा, सर आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको यह इंटरव्यू मेल कर दूंगा। मेरे पास ईमेल नहीं है। ईमेल नहीं है तो ये बड़ी दुकान बिना ईमेल के खड़ी किया है आपने? अगर ईमेल होता तो ये दुकान नहीं होती। आज ईमेल नहीं था मेरे पास तो इसलिए ही खड़ी हुई है ये दुकान। क्या, कैसे? हरी ने अपने पहले इंटरव्यू की बात जर्नलिस्ट को बताई और उसने इस कहानी को अपने अखबार में छाप कर हरी जैसे लोगों को मोटिवेट किया। माँ का खत। रतनपुर नामक गांव में रवि नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रवि देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन रवि की माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उनका चेहरा अजीब दिखता था। जब रवि छोटा था तब तो उसे पता ही नहीं चला कि उसका बचपन उसकी माँ के साथ कितनी जल्दी बीत गया, लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तब उसे महसूस होने लगा कि उसकी माँ देखने में बहुत ही बदसूरत दिखती है, क्योंकि उनकी एक आंख नहीं है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए रवि अपनी माँ के साथ कहीं भी बाहर नहीं जाता था और माँ को भी कहीं लेकर नहीं जाता था। उसे लगता था कि अगर वो अपनी माँ के साथ बाहर गया तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से रवि अपनी माँ को काफी भला बुरा भी कहता था। तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिखती। मेरे दोस्तों की माँ बहुत ही खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। रवि की माँ बेटे के इस तरह के व्यवहार से बहुत ही दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। एक दिन की बात है, रवि अपने खाने का डब्बा लिए बिना ही स्कूल चला जाता है। रवि दिन भर भूखा ना रहे, इसलिए रवि की माँ खाने का डब्बा देने के लिए उसके स्कूल जाती है। अचानक अपनी माँ को स्कूल में देखकर रवि को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और वो घर आकर अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होता है। मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे स्कूल मत आया करो, तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होती है, तब दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल कभी नहीं आऊंगी। और वो रोने लगती है, पर फिर भी वो रवि का हमेशा ख्याल रखती है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। ऐसे ही एक साल बीत गया, रवि बड़ा हो गया, पर अब वो पहले से भी ज्यादा अपनी माँ का अपमान करने लगा। सबका गुस्सा वो माँ पर ही निकाल देता था। रवि की माँ उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और बहुत ही उदास हो जाती। एक दिन की बात है, रवि अपनी माँ से बोला, अब मैं कमाने लगा हूँ, इसलिए अब मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। बेटा ऐसा मत कहो, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अब और मुंह छुपा के नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ।
माँ के बहुत रोकने के बाद भी रवि घर छोड़कर चला जाता है और वो दूसरी जगह शादी कर अपनी बीवी के साथ रहने लगता है। इधर माँ अकेली जिंदगी गुजार रही थी, अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, रवि के घर की घंटी बजती है। रवि देखता है कि उसके गांव से एक आदमी उसके नाम का खत लेकर आया है। वो खत उसकी माँ का था। आदमी रवि से बोलता है, रवि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आखिरी समय में वो तुम्हारे लिए ये खत छोड़कर गई है, ये रहा। वो खत देकर चला जाता है। ये खबर सुनकर रवि थोड़ा दुखी होता है और वो खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा रवि, मेरी एक आंख ना होने की वजह से तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ा, लोगों के सामने तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, इसका मुझे बहुत दुख है, पर आज तुम्हें मैं एक बात बता रही हूँ जो पहले मैंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। रवि, जब तुम छोटे थे तो तुम बाहर खेल रहे थे, खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आँख में चोट लग गई। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे की एक आँख खराब हो गई थी। अब इसका तो एक ही उपाय है कि कोई अपनी एक आँख इसे दे दे। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें अपनी एक आँख दे दी ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ और कोई परेशानी ना हो। उस दिन डॉक्टर ने मेरी एक आँख निकाल कर तुम्हें लगा दी और मैं हमेशा तुम्हें देखकर खुश रहने लगी कि चलो मैं बदसूरत हूँ तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो सुंदर है। एक बात बताती हूँ बेटा, माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। खत पढ़ने के बाद रवि फूट फूट कर रोने लगता है। उसका माँ से मिलकर माफी मांगने का बहुत ही दिल कर रहा था। वो दिल से माफी मांगना चाह रहा था पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जिंदगी भर इस बात के लिए पछताता रहा कि काश मैं एक बार अपनी माँ से मिल पाता और प्यार से उसे गले लगा पाता, जिस प्यार के लिए माँ हमेशा तरसती रही। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें सब कुछ मिल सकता है पर गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। और माँ तो जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है। माँ की ममता मिलना बहुत ही किस्मत की बात होती है। तो बच्चों, माँ की इज्जत करो और माँ का हमेशा ख्याल रखो।